हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओनर्स इंग्लिश। आज हम जॉन किट्स की एक पोएम ओड टू साइकी करने जा रहे हैं। इस पोएम के अंदर उन्होंने अपनी बिलविड का वर्णन किया, लेकिन वो सीधे तरीके से अपनी बिलविड का वर्णन नहीं कर रहे हैं, किसी और के थ्रू कर रहे हैं। वो इस पोएम में उनको गॉडेस बताते हैं और वो कहते हैं कि मैंने दो लवर्स को सोए हुए देखा घास के अंदर। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि मैं अपनी बिलविड को गॉडेस बनाकर उसकी पूजा करना चाहता हूँ। तो चलिए लाइन टू लाइन अभी से स्टार्ट करते हैं। ओ गॉडेस, यानी कि वो अपनी बिलविड को देवी कहकर पुकार रहे हैं। हियर दिस ट्यूनलेस नंबर्स रंग, उन आवाज़ों को सुनो, यानी कि मेरी कविता को सुनो जिसके अंदर कोई ट्यून नहीं है। और वो बाय स्वीट इन्फोर्समेंट एंड रिमेम्बरेंस डियर, जिसके अंदर बहुत ही सुंदर लयबद्ध पंक्तियां हैं जो कि मैंने तुम्हारी याद में लिखी है। एंड पार्डन, और मुझे माफ़ करना, दैट दाई सीक्रेट शुड बी संग, यदि मैं तुम्हारे कुछ रहस्य गा दूं, इवन इनटू दाइन ओवन सॉफ्ट कॉन्स्ट ईयर, यदि मैं तुम्हारे संग जैसे दिखने वाले कानों में तुम्हारे कोई भी सीक्रेट्स हैं वो गा दूं तो। श्योरली आई ड्रीम टूडे और डिड आई सी द विंग्ड साइकी विद अवेकंड आइज, इसके अंदर पोइट कहना चाहता है कि मैंने सपना देखा, या फिर विंग्ड का मतलब होता है पंखों वाली, साइकी का मतलब होता है देवी, यानी कि परी कहना चाहता है वो अपनी बिलविड को। वो कहना चाहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने सपना देखा या फिर पंखों वाली देवी को खुली आंखों से देखा। आई वंडर्ड इन ए फॉरेस्ट थॉटलेसली, यानी कि पोइट फॉरेस्ट में गया हुआ था और वहाँ पर वो बिना किसी थॉट के यहाँ वहाँ घूम रहा था। एंड ऑन द सडन, और तभी अचानक, फेंटिंग विद सरप्राइज, मैं आश्चर्य से भर गया, सा टू फेयर क्रिएचर्स, मैंने दो सुंदर प्राणियों को देखा, कोस्ड साइड बाय साइड, जो एक दूसरे के बगल में लेटे हुए थे, इन डीपेस्ट ग्रास, जो कि एक गहरी घास में थे, बिनिथ द विस्परिंग रूफ ऑफ लीव्स, जो कि पत्तों की फड़फड़ाती हुई छत के नीचे लेटे हुए थे, यानी कि पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, ट्रेम्बल्ड ब्लॉसम्स, जो कि पैरों से दबे हुए फूलों के ऊपर लेटे थे, वेयर देयर रन ए ब्रुकलेट स्कार्स अस्पाइड, जहाँ से एक नाला बह रहा था और जो उनकी जासूसी करता हुआ दिखाई दे रहा था, मिड ह्यूज्ड कूल रूटेड फ्लावर्स फ्रेग्रेंट आइड, यानी कि उन सुंदर सुंदर फूलों के बीच में से बहुत ही खुशबूदार हवा आ रही थी, ब्लू सिल्वर वाइट और ब्यूटी ट्रेन, यानी कि जो फूलों के कलर हैं वो बता रहा है ये कि वो नीले रंग के थे, सिल्वर कलर के थे, वाइट कलर के थे, और उनकी जो कलियाँ थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। दे ले काम ब्रेथिंग, वो जो क्रिएचर्स थे वो वहाँ पर लेटे हुए थे और बहुत ही शांति से वो सांस ले रहे थे, ऑन द बेडेड ग्रास, जो कि घास पर लेटे हुए थे, देयर आर्म्स इम्ब्रेस्ड, और उन्होंने अपनी बाजुओं को कुछ इस तरह से कर रखा था कि वो एक दूसरे के गले लगे हुए थे, एंड देयर पिनियंस टू, और उनके जो पंख थे वो भी आपस में मिले हुए थे, देयर लिप्स टचड नॉट, उनके जो होठ थे वो एक दूसरे को टच नहीं किए हुए थे, बट हैड नॉट ब्लेड एड्यू, लेकिन वो एक दूसरे से दूर भी नहीं थे, यानी कि उनके होठ जो थे वो आपस में टच भी नहीं थे और दूर भी नहीं थे, एज इफ डिसजॉइंट बाय सॉफ्ट हैंडेड स्लम्बर, वो कहना चाहता है कि उन्हें गहरी नींद आई हुई है, इस वजह से वो दोनों डिसजॉइंट हैं, एंड रेडी स्टिल पास्ट किसिज टू आउट नंबर, वो कहना चाहते हैं लेकिन जैसे ही वो दोनों उठ जाएंगे तो वो बहुत सारी किसिस करेंगे, एट टेंडर आइज ड्रोन ऑफ ओरोरियन लव, वो कहना चाहता है कि उन दोनों की आंखें बंद है उनके प्यार की वजह से, द विंग्ड बॉय आई न्यू, पोइट कहना चाहता है कि जो पंखों वाला ये लड़का है ना, इसे मैं जानता हूँ, यानी कि दो क्रिएचर्स जो लेटे हुए थे उनमें से एक लड़का था एक लड़की थी, तो वो कहना चाहता है कि ये जो लड़का है ना, इसे मैं जानता हूँ, क्योंकि वो कहना चाहता है कि वो जो लड़का है वो क्यूपिड है, यानी कि प्यार का देवता है, बट वो वास्ट दाऊ, लेकिन यह कौन है, ओ हैप्पी हैप्पी डव, यानी कि खुशनुमा डव का मतलब होता है वाइट कलर का कबूतर, वो उसे कहना चाहता है हिज साइकी ट्रू, जो उसकी साइकी है, मतलब वो जो देवी उसे दिखाई दे रही है वो उसे नहीं जानता है,
ओ लेटेस्ट बोर्न ऑफ लवलीस्ट विजन फार ऑफ ओलंपस फेडिड हेरार्की, यानी कि पोइट कहना चाहता है जो ओलंपस माउंटेन है उसके ऊपर जितने भी देवी देवता है उनका जन्म होता है, यानी कि वो कहना चाहता है जो पहली लाइन है उसके अंदर कि तुम्हारा जन्म ओलंपस माउंटेन पर हुआ है और तुम वहाँ की उत्तराधिकारी हो जो अभी अभी पैदा हुई हो। फेयर देन फीबीज फायर रिजेंड स्टार, वो कहना चाहता है कि तुम उस फीबी के चमक से भी ज़्यादा सुंदर हो जो तारों में रहती है। और वेस्पर एमरस ग्लो वार्म ऑफ द स्काई फेयर देन दीज, यानी कि वो कहना चाहता है कि तुम वेस्पर से भी सुंदर हो जो आसमां को चमकाए रखता है। दाऊ टेम्पल दाऊ हस्ट नोन, कि इतनी सुंदर होने के बावजूद भी तुम्हारा कोई मंदिर नहीं बनाया गया है। नोर एल्टर हिप्ड विद फ्लावर्स, या फिर तुम्हारे पास कोई फूलों का बगीचा भी नहीं है जो तुम्हारे लिए बनाया गया हो। नोर वर्जिन कोर टू मेक डिलीशियस मोन अपॉन द मिडनाइट आवर्स, यानी कि तुम्हारे लिए वर्जिन सोयर का मतलब है एक नया गीत, यानी कि तुम्हारे लिए एक नया गीत भी नहीं बनाया गया है जो कि आधी रात को गाया जा सके और दुख में आनंद दे। नो वॉइस, यानी कि तुम्हारे लिए कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही है। नो ल्यूट, तुम्हारे लिए कोई बांसुरी नहीं सुनाई दे रही है। नो पाइप, नो इंसेंस स्वीट फ्रॉम चेन स्वैंग कंसियर टीमिंग, यानी कि किसी धूपदानी पर तुम्हारे लिए कोई धूप भी नहीं जलाई गई है। नो श्रेन, यानी कि तुम्हारे लिए कोई गर्भगृह यानी कि जहाँ पर तुम्हारी पूजा हो सके वो नहीं बनाया गया है। नो ग्रोव, नो ओर्चल, नो हीट टू प्लेन माउथ प्रोफेट ड्रीमिंग, यानी कि तुम्हारे लिए एक पूजा वाला पेड़ भी नहीं बनाया गया है, ना ही कोई मंदिर है, ना ही कोई ऐसा पुजारी तुम्हारे लिए है जो कि तुम्हें सपने में देखकर तुमसे कोई इंस्पिरेशन ले सके। ओ ब्राइटेस्ट, कि तुम सबसे सुंदर हो, दाउ टू लेट फॉर एंटी क्यू वोस, लेकिन तुम इसके लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हो क्योंकि जो लोग हैं वो अपने अपने भगवानों के लिए कस्में ले चुके हैं। टू लेट फॉर फोंड बिलीविंग लायर व्हेन होली वर हंटेड फॉरेस्ट बोज, यानी कि वो बहुत पहले का ज़माना था जहाँ पर लोग फॉरेस्ट में पेड़ों की पूजा किया करते थे। होली द एयर द वाटर एंड द फायर, यानी कि हवा पानी और आग को पवित्र माना जाता था। यट इवन दिस डे सो फार रिटायर्ड, लेकिन इन दिनों में ये बातें पुरानी हो चुकी है क्योंकि अब लोग इन चीज़ों को होली नहीं मानते। फ्रॉम हैप्पी पार्टीज़, यानी कि यदि तुम पिछले ज़माने में होती द लूशेंट फैंस तो तुम्हारे बहुत सारे फैंस होते। फ्लटरिंग अमोंग द फेंट ओलंपियंस, तो तुम उस ओलंपियंस माउंटेंस के बीच में से फ्लटर करती हुई उड़ती हुई घूमती और वो लोग तुम्हें देखते। आई सी, यानी कि मैंने तुम्हें देखा है। एंड सिंग, मैं गाना चाहता हूँ। फॉर माई ओवन आइज इंस्पायर्ड, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी आँखों से देखा है तो मुझे तुमसे इंस्पिरेशंस मिली है। सो लेट मी बाय दाई चोयर, तो तुम मुझे अपना गीत गाने वाला बना लो। एंड मेक ए मोन अपॉन द मिडनाइट आवर्स, यानी कि मैं रातों में दुख भरे गीत गाना चाहता हूँ। दाई वॉइस, मैं तुम्हारे लिए आवाज़ बनना चाहता हूँ। दाई ल्यूट, तुम्हारे लिए बांसुरी बनना चाहता हूँ। दाई पाइप, दाई इंसेंस स्वीट फ्रॉम स्विंग्ड सिंसर टीमिंग, यानी कि मैं तुम्हारे लिए वो अगरबत्ती की खुशबू बनना चाहता हूँ जो तुम्हारे पास उड़कर आएगी। दाई श्रेन, मुझे तुम्हारा पूजा गृह बनना है। दाई ग्रो, पेड़ों का झुंड बनना है। दाई ओर्चल, तुम्हारा मंदिर बनना है। दाई हीट ऑफ पेल माउथ प्रोफेट ड्रीमिंग, मुझे तुम्हारा वो पुजारी बनना है जो तुम्हारे बारे में सपने लेता है। यस आई विल बी दाई प्रिस्ट, हाँ मैं तुम्हारा पुजारी बनूंगा। ब्यूल्ट ए फेन, और मंदिर बनाऊंगा इन सम अनट्रोडन रीजन, ऐसी जगह पर जहाँ पर आज तक कोई नहीं गया है। ऑफ माई माइंड, मेरे दिमाग के अंदर। वेयर ब्रांच्ड थॉट्स, जहाँ पर मेरे जो थॉट्स है वो पेड़ों की ब्रांच के समान होंगे। न्यू ग्रोन विद प्लीजेंट प्लेन, जिसके अंदर नया नया दर्द उत्पन्न होता है। इंस्टीड ऑफ पाइन सेल मरमर इन द वाइंड, मैं उसकी तरह नहीं बनूंगा जो पाइन्स के पेड़ होते हैं जो वाइंड के अंदर मरमर करते हैं यानी कि बुड़बुड़ाते हैं।
Far, far around sell those dark clustered trees, flees the reasoned mountains steep by steep. यानी कि मैं मेरे मंदिर को घने पेड़ों के बीच में से जाते हुए माउंटेन के ऊपरी ऊपरी सतहों पर बनाऊंगा. एंड देयर बाय द फायर स्ट्रीम्स एंड बर्ड्स एंड बीज, यानी कि जहाँ पर जो फायर्स, नदियाँ, नाले, पेड़ पौधे, मक्खियाँ ये होंगे. द मोस्ट लेन ड्रायर्स, जहाँ पर छोटे देवता होंगे. सेल बी लर्ड टू स्लीप, जो लोगों के सपनों में आकर उन्हें थपकियाँ देकर सुलाते हैं. एंड इन द मिडस्ट ऑफ वाइड क्वाइटनेस, जहाँ पर बहुत सारी शांति होगी, उसके बीच में मैं मेरी देवी को स्थापित करूँगा, उसका मंदिर बनाऊँगा. ए रोजी सेंचुरी विल आई ड्रेस, यानी कि मैं एक गुलाब के फूलों की सेंचुरी बनाऊंगा, एक रोजी गारलैंड बनाऊंगा. विद द रिस्ड ट्रायल्स ऑफ वर्किंग ब्रेन, यानी कि मैं मेरे दिमाग को चलाने के लिए एक पुष्प चक्र बनाऊंगा. विद ब्यूटीज, यानी कि मैं वहां पर कलियां बनाऊंगा. द बेल्स, घंटियां होंगी. एंड स्टार्स विदाउट नेम, और तारे होंगे जिन पर किसी का नाम नहीं लिखा होगा. विद ऑल द गार्डनर फैंसीज एवर कुड फीजन, जहाँ पर जो मेरे विचार होंगे वही वहाँ का माली बनेंगे, यानी कि गार्डनर होंगे. वो ब्रीडिंग फ्लावर्स, जिसके अंदर फूल पैदा होंगे. विल नेवर ब्रीड द सेम, लेकिन जो फूल होंगे वो दोबारा से वहीं पर पैदा नहीं होंगे, यानी कि सेम फ्लावर्स नहीं उगेंगे उस गार्डन में. एंड देयर सेल बी फॉर दी आल सॉफ्ट डिलाइट, जो तुम्हें हर तरह का आराम प्रदान करेंगे. द सेडोवी थॉट्स कैन विन, यानी कि जो मेरे ऐसे विचार हैं वो ही तुम्हें जीतने में कामयाब हो सकते हैं. द ब्राइट टॉर्च, यानी कि मैं एक मसाल जलाऊंगा. एंड ए केसमेंट ओपन एट नाइट, यानी कि मैं एक खिड़की को रात में खुला रखूंगा. टू लेट द वार्म लव इन, जो तुम्हें गर्म रखने में सहायता करेगी. सो फ्रेंड्स, इन्हीं लाइन के साथ हमारी आज की पोइम कंप्लीट होती है. बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ.